नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास सर, सक्षम अकेडमी बाई सूरज सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद 2 दिन से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था, जिस वजह से मैं आपके एमपीजी की क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और याद रखिये, आज से फिर से हम लाइव सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। ठीक शाम को 8:30 बजे सारा काम छोड़कर आप मोबाइल के सामने आ जाइए और लग जाइए अपने एमपीजी के प्रिपरेशन में। याद रखिए, कल ही अनाउंस किया गया है कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी 1300+ वन आरक्षक की पोस्टें आने वाली है। याद रखिए, प्लान बना लीजिए। देखिए, याद रखिए, जिन लोगों के कांस्टेबल के एग्जाम में मार्क्स थोड़ा सा कम आ रहे हैं, यहाँ पे भयभीत होने, डरने, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बी प्रिपेयर, बी कॉन्फिडेंट। याद रखिए, किसी को भी सफलता एक बार में नहीं मिली है, बहुत कम ही लकी लोग होते हैं जो एक बार में सफल होते हैं। असफलता सीधी सी बात है, जो असफलता की सीढ़ियों से गुजरते जाता है उसी के पास सुनाने के लिए कहानियां होती है। तो आइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और याद रखिए दोस्तों, जो एमपीजी के कंटेस्ट, जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो सक्षम अकेडमी में कंडक्ट कराया गया था, उसके प्रथम पुरस्कार विजेता अंकुल मिश्रा है, जो हमारी ही कोचिंग के सदस्य हैं, और उन्होंने 60 अंक की उस प्रतियोगिता में 57 नंबर एमपीजी के में अर्जित किए हैं। ऐसी एक प्रतियोगिता का आयोजन फिर पुनः इस सैटरडे को वापस किया जाएगा। याद रखिये, ऐसे ही ये टेस्ट चलते रहेंगे। देखिये, अभी हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं चंबल संभाग। देखिए, जैसा कि आप देखते हैं, जब आप मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाने का प्रयास करूँ, तो आप मध्य प्रदेश के जब मानचित्र को बनाते हैं, तो मानचित्र को बना करके देखते हैं कि चंबल संभाग कहाँ पर आता है। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका चंबल संभाग। और चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, चंबल संभाग के अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं बच्चों, चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला जिला कौन सा आता है, श्योपुर। दूसरा जिला कौन सा आता है, मुरैना। और तीसरा जिला कौन सा आता है, भिंड। आपको याद रखना है, पहला जिला कौन सा आता है, श्योपुर। दूसरा जिला कौन सा आता है, मुरैना। और तीसरा जिला कौन सा आता है, भिंड। ठीक है, 3 ही जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मुरैना की बात करें, जैसा किसका नाम है, मुरैना। मुरैना मतलब, याद रखिए, मोर के सर पर शिखा। मोर के सर पर जिस प्रकार से शिखा विराजमान होती है, वैसे ही मध्य प्रदेश का ये जिला मुरैना भी मध्य प्रदेश के एकदम सबसे उत्तरतम जिलों में से एक है। याद रखिए, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला आपका मुरैना ही है, याद रखना है आपको। देखिए, मुरैना की जो कुल जनसंख्या कितनी है, 19,65,770। ठीक है, लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात के मामले में ये 3 जिलों पीछे है। देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, लिंगानुपात क्या है। याद रखिए, 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, याद रखना है, 1,000 पुरुषों में जितनी महिलाएं होती हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है, सेक्स रेशियो इंग्लिश में, और इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। और मुरैना का लिंगानुपात 840/1000 है, यानी 1,000 पुरुषों में मुरैना में महिलाओं की संख्या कितनी है, 840। मतलब सीधी सी बात है, 160 जो पुरुष है, 160 महिलाएं कम है। मतलब अगर 1,000 पुरुषों को खड़ा कर दिया जाए, उनके बगल में इतनी महिलाओं को रखने की कोशिश की जाए, तो मध्य प्रदेश जो मुरैना है उसका लिंगानुपात कितना है इस मामले में, 840। तो केवल 840 महिलाएं ही मिलेंगी। आप इस चीज को समझ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है। याद रखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी माननीय प्रधानमंत्री ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। याद रखिएगा, इस योजना को कहाँ लॉन्च किया गया था, हरियाणा के पानीपत जिले से इसे लॉन्च किया गया था। देखिए, इस योजना को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो मुख्य उद्देश्य ये था, इसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि वो जिले जहां पर लिंगानुपात कम है, लिंगानुपात कम होने का कारण क्या होता है, लिंगानुपात कम होने का कारण बहुत बड़ा है भारत में, और वो है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या जिसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फीमेल फॉर्टिसाइड। आगे बात समझ में, इसे फीमेल फॉर्टिसाइड कहा जाता है। और फीमेल फॉर्टिसाइड क्या होता है, गर्भ में ही भ्रूण की पहचान करके इलीगल तरीके से, सोनोग्राफी के माध्यम से गर्भ में भ्रूण की पहचान करके उसकी हत्या कर देना, यही क्या कहलाता है आपकी भ्रूण हत्या। और ऐसे में मध्य प्रदेश में और भारत के कई राज्यों में फीमेल फॉर्टिसाइड की समस्या है। इसीलिए अगर आप जाएं, आप कभी सोनोग्राफी अगर जहां होती है, अगर उन स्थानों पर जाने की कोशिश करें, तो वहां पर आप जाते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा PCPNDT एक्ट। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे जोड़ के देख लेते हैं। देखिए, पहले जब यह अधिनियम आया था तो इसका नाम था प्रीनटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये 1994 में आया था। आगे बात समझ में, इसका पूरा नाम क्या था, प्रीनटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 1994, जो भारत में ये अधिनियम ये कहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन इंडिया। मतलब आप ये समझिए कि आप
गर्भ में पल रहे भ्रूण के सेक्स का यानी उसके लिंग का अगर आप परीक्षण करते हैं और अगर कोई भी सोनोग्राफी वाला ऐसा करने का प्रयास करता है, ये बताता है सामने वाले को, तो ये पूरी तरह से कानूनी अपराध है और इसके लिए दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। याद रखिएगा इसी अधिनियम को मॉडर्नाइज किया गया, इसी में अमेंडमेंट किया गया और डायरेक्ट बिकमा प्री कॉन्सेप्शन मतलब कॉन्सेप्शन का मतलब होता है डिलीवरी से पहले यानी जन्म से पूर्व जो फोटियस है, जो गर्भ में पल रहा भ्रूण है उसका लिंग परीक्षण करना भारत में पूर्णतः कानूनन अपराध है। और इसका कारण क्या है कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है हरियाणा, और हरियाणा का लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। ठीक है ना, याद रखिएगा हरियाणा का लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है और हरियाणा भी भारत के उत्तर में ही विराजमान है। वैसे ही मध्य प्रदेश के 3 सबसे उत्तरतम जिले जो चंबल संभाग के जिले हैं भिंड मुरैना ग्वालियर, यहाँ पे भी लिंगानुपात आपको कम ही मिलेगा। मतलब लिंगानुपात के मामले में इन दोनों में एक कनेक्शन है वो आपने देख लिया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं साक्षरता। देखिए साक्षरता कितनी है, 71.03%। साक्षरता का मतलब क्या होता है, साक्षरता देखिए साक्षर के मतलब में यूनाइटेड नेशन ने एक परिभाषा दी। याद रखिए बच्चों आप कभी भी कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई बड़ा एग्जाम देते हैं, आप यूपीएससी देते हैं, एमपीपीएससी देते हैं, जो भी बीसीएस देते हैं, और अगर मान लीजिए आप मेंस तक पहुंचते हैं तो एक बात आपको याद रखना है, जब भी आप कोई भी परिभाषा लिखे तो परिभाषा लिखते समय आप एक बात का जरूर ध्यान दें, उस परिभाषा में आप यूएन को कोट करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस चीज के बारे में ये कहा है, आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो साक्षरता क्या है, देखिए जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में, मतलब जो तमिल का होगा तमिल में, जो तेलुगु का होगा तेलुगु में, जो जिस भाषा का है अपनी मातृभाषा में अपना नाम लिख करके पढ़ ले, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, साक्षर। बात समझने का प्रयास करिए, कोई भी व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा में अपना नाम लिख करके पढ़ ले वो क्या कहलाता है, साक्षर। और मुरैना की जो साक्षरता दर है कितनी है, 71.03%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व, देखिए किसी भी क्षेत्र विशेष के अगर हमें जनसंख्या घनत्व निकालना है तो जनसंख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए क्या करते हैं, जब हम उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य या उस देश या उस जिले या उस गांव की कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है, ये जानकारी का पता चल जाता है कि जनसंख्या घनत्व तो कितना है। बात समझ में आ रही है, जैसे आप देखिए ये पूरा बसाहट वाला क्षेत्र, अगर मान लीजिए यही पुरुष और महिलाएं हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी स्थान विशेष पे भूमि पर पुरुष और महिलाओं का दबाव कितना है, तो बात समझिए इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 489 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिए 489 यानी मुरैना में 1 किलोमीटर जाने पर आपको कितने व्यक्ति देखने को मिलते हैं, 489 से आप समझिए। इसके बाद देखिए मुरैना के अंतर्गत कितनी तहसील है, 6। कितनी तहसील है बच्चों, 6 तहसीलें आती है। कौन कौन सी, मुरैना खुद एक तहसील है, एक अंबा आती है, जौरा आती है, कुरसा आती है, एक सबलगढ़ आती है, कैलारस। कैलारस याद रखिए, कैलारस बहुत फेमस है, बहुत फेमस है बच्चों कैलारस। क्यों फेमस है, क्योंकि कैलारस में चीनी की फैक्ट्री है, यहाँ चीनी उद्योग लगा हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि चीनी उद्योग कैलारस कहाँ है, जैसे याद रखिए एमपीपीएससी ने क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था 2018 की परीक्षा में कि बालमोर किस जिले के अंतर्गत आता है, हालांकि बालमोर पे बात करेंगे, यहाँ पे अपने अगली बात उसी पे करेंगे, लेकिन याद रखिए कैलारस मुरैना की एक तहसील है जहां पर चीनी उद्योग लगा हुआ है, सुगर का, यानी सुगर मतलब समझ रहे हैं चीनी का, यानी शक्कर का उत्पादन किया जाता है, गन्ने को पेर करके चीनी। इसके बाद देखिए फिर देखिए ये जो मुरैना रहा है इतिहास इसका ऐसा रहा है कि कछवाहा वंश की राजधानी रही है। याद रखिए आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये बताइए मुरैना किसकी राजधानी रही है, मुरैना कछवाहा वंश की राजधानी रही है। और याद रखिए मुरैना का एक जगह है जिसका नाम है बालमोर, मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 2018 की प्रदेश की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था बालमोर काहे के लिए फेमस है। याद रखिए बालमोर कत्थे के उत्पादन के लिए फेमस है, आप ये बात समझ में, किसके लिए प्रसिद्ध है, कत्थे के उत्पादन के लिए, कत्थक उत्पादन। बात समझिए जब अपन पान खाते हैं तो पान में कत्थे का यूज पान वाले जनरली कहते हैं, तो कत्था बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ है, बालमोर। और याद रखिए मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना जिसे ACC ने लगाया था, किसे लगाया था, ACC सीमेंट। आपने पढ़ा होगा, इस वीडियो को देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह में, यूट्यूब में टेलीविजन में जनरली ACC सीमेंट सदियों से सुना होगा, ACC सीमेंट सदियों से आपकी। तो याद रखिए यही ACC सीमेंट जो है आपकी, उसका पहला सीमेंट कारखाना बालमोर में 1923 में लगाया गया, तो मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना।
आपसे प्रश्न पूछेगा मध्य प्रदेश में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया 1923 में बानगौर में। उसके बाद याद रखिए यहाँ से नदी बहती है चंबल, कौन सी नदी बहती है बच्चों चंबल, क्या बहती है चंबल बहती है, आगे बात समय पे कौन सी नदी बहती है चंबल, और चंबल नदी पर ही यहाँ पर क्या बना हुआ है घड़ियाल अभ्यारण्य, क्या बना हुआ है घड़ियाल अभ्यारण्य। याद रखिएगा आपसे प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश में घड़ियालों का संरक्षण किस जगह पे किया जाता है, मुरैना की चंबल नदी पे किया जाता है, यहाँ पर घड़ियाल अभ्यारण्य है जहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण। घड़ियाल को अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहूँ कि मगरमच्छ की तरह देखते हैं, उसका थोड़ा मुंह ज्यादा लंबा होता है, आप इसे यूट्यूब में या गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा चंबल नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है मध्य प्रदेश में, इसे आप समझिए चंबल नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य। और याद रखिए इसी चंबल नदी पर दोस्तों आपको याद रखना है, इसी चंबल नदी पर आपका एक और कॉन्सेप्ट पैदा होता है, वो क्या है, इसी चंबल नदी पर गंगाटी डॉल्फिन मछली का भी संरक्षण किया गया मध्य प्रदेश में। याद रखिए, देखिए आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो वनस्पतियां और जो जीव दुनिया से विलुप्त हो जाते हैं, तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम क्या है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका पूरा नाम क्या है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये एक किताब जारी करता है जिसे हम क्या बोलते हैं रेड डाटा बुक, क्या बोलते हैं रेड डाटा बुक, जहां ये बताता है कि दुनिया में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां थी, चाहे वो जानवरों की रही हो चाहे वो वनस्पतियों की रही हो, मतलब वृक्षों की रही हो पौधों की रही हो, जो वनस्पतियां आज हैं और जो विलुप्त हो चुकी हैं और जिनके भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है, ये 3-4 प्रकार की लिस्ट IUCN जारी करता है। याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि लाल किताब कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है लाल किताब। और याद रखिए कि घड़ियाल और डॉल्फिन का संरक्षण कहा किया गया चंबल नदी पे, और चंबल नदी पर एक अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट्स घड़ियाल अभ्यारण्य। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको ये समझना है मुरैना सबसे ज्यादा शहद का सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करता है, मुरैना सबसे ज्यादा सरसों सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन करता है, और मुरैना की गजक एक प्रकार की मिठाई होती है जो बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत ज्यादा फेमस है मध्य प्रदेश में, वो लोग गाना गा करके इस मिठाई को बेचते हैं, है ना, अरे बढ़िया ले गजक ऐसे करके वो लोग गाना गाते हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक तरीके से ये लोग अपनी इस मिठाई को बेचते हैं, बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है याद रखिएगा। और इधर ये भी समझना है सरसों का सर्वाधिक उत्पादन मुरैना, शहद का सर्वाधिक उत्पादन मुरैना, इसकी क्या फेमस है गजक मिठाई फेमस है, याद रखिए इन चीजों को आप थोड़ा सा समझिए अच्छे से समझिए। हमारा उद्देश्य ये है कि एक एक करके हम मध्य प्रदेश के 10 संभाग आपको जल्दी से जल्दी निपटा दें, ताकि कांस्टेबल की परीक्षा में आने वाले प्रत्येक प्रश्न के लिए आप पूर्णतः दक्ष हो जाएं और इस बार इतिहास लिख दें। कोई बात नहीं, थोड़ा नंबर ऊपर नीचे होता है, नॉर्मलाइजेशन है, बड़ी लंबी प्रोसेस है, परेशान हो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। और याद रखिए जो भिंड मुरैना है ना दोस्तों, ये जो भिंड मुरैना है इन दोनों को बागियों का गढ़ कहा जाता है, आप ये कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, पान सिंह तोमर फूलन देवी यही की है, है ना। और एक बात आपको ये भी याद रखना है, यहीं पर चंबल नदी क्या बनाती है बीहड़, क्या बनाती है बीहड़, और ये काहे से परेशान रहता है ये पूरा क्षेत्र अब नलिका अपरदन से, काहे से फेमस, काहे से परेशान रहता है अब नलिका अपरदन, इसे इंग्लिश में गली अपरदन कहते हैं, अगली बात समझ में से क्या कहते हैं अब नलिका अपरदन, बात समझिए जब नदी बह रही हो तो नदी जब अपना जल स्तर बढ़ाती है तो मिट्टी की जो सबसे ज्यादा उर्वरक परत होती है ऊपर की, जब उसको उड़ा करके लेके चली जाती है तो इसे अपरदन कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, तो धीरे धीरे करके वहां पर उत्पादन क्या हो जाता है कम, जब वहां पर कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम हो जाता है तो वो संपूर्ण क्षेत्र बंजर के रूप में हो जाता है, और इन्हें ही क्या बोलते हैं बीहड़, क्या बोलते हैं बीहड़, और ये बीहड़ किसके लिए प्रसिद्ध है बागियों के लिए, डाकुओं के लिए विख्यात है, पान सिंह तोमर क्या आपकी फूलन देवी इन्हीं से संबंधित है याद रखिएगा। और याद रखिएगा भिंड मुरैना को क्या कहा जाता है बागियों का गढ़, क्या कहा जाता है बच्चों बागियों का गढ़। इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से मंदिर कौन से मकबरे, याद रखिए पूछेगा 80 सूर्य मंदिर कहाँ है मुरैना, धूप कुंड कहाँ है मुरैना, सुहानिया जैन तीर्थ स्थल, देखिए बच्चों मैं बोल रहा हूँ आप देखिए 80 सूर्य मंदिर मुरैना, धूप कुंड मुरैना, सुहानिया जैन तीर्थ स्थल कहाँ है ये भी मुरैना, बेगम का मकबरा मुरैना, अर्दोनी शिव मंदिर कहाँ है ये भी मुरैना, अर्दोनी शिव मंदिर मुरैना, दुसाई द्वार कहाँ है मुरैना, कुटनाम कहाँ है मुरैना, आराहा नाथ जैन मंदिर कहाँ है मुरैना, शहीद मंदिर, याद रखिए राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी का
किस स्वतंत्रता सेनानी के शहादत, शहादत का क्षेत्र मुरैना में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे शहीद मंदिर वहां स्थित है। और लिखीराज गुफा, याद रखिए मुरैना में एक गुफा है लिखीराज गुफा, जो किस नदी पर है बच्चों, आसन नदी पर। तो ये छोटी सी जानकारी मुरैना के संदर्भ में रही, ये छोटी सी जानकारी मुरैना के संदर्भ में रही, ठीक है ना दोस्तों। अब हम अगले संभाग में बात करेंगे जिसका नाम, अगले जिले में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, भिंड जिला। देखिए दोस्तों अब हम आपसे बात करेंगे भिंड जिले के बारे में। देखिए भिंड का प्राचीन नाम क्या है, भदावर। भिंड जिला चंबल संभाग के अंतर्गत मैंने बताया तीन जिले आते हैं, भिंड का पुराना नाम क्या, भदावर। भिंड की कुल जनसंख्या 7,03,005, 7,03,005 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक बात से और अवगत करा देना चाहता हूँ, याद रखिएगा भारत में सबसे पहली जनगणना सन 1872 में की गई थी। कब की गई थी, 1872 में, किनके टाइम में की गई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे पहले भारत में जनगणना कब की गई, सन 1872 में जब भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड मेयो। उसके बाद याद रखिएगा व्यवस्थित तरीके से जनगणना, व्यवस्थित तरीके से जनगणना कब से की गई, तो याद रखिएगा जब भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में आधुनिक जनगणना की नींव किसने रखी थी, लॉर्ड रिपन ने, किसने रखी थी, लॉर्ड रिपन ने। याद रखिए जनगणना तब से चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। देखिए कुल मिलाकर के हमारे पास जो अगली जो पिछली जनगणना थी वो 2011 थी, जनगणना बिल्कुल 2020 से शुरू हो जाने वाली थी, फरवरी मार्च के महीने से ही जनगणना को शुरू करना था, 21 में नई जनगणना आ जाती, पर आज 2022 है, आज हम जनगणना भारत सरकार आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है, पर अब उसने कहा है कि NFHS नंबर 4, NFHS नंबर 5, याद रखिए फैमिली एंड हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, याद रखिए फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ जो है, यानी परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक सर्वे कराया है जिसका नाम क्या है, NFHS 5। और इस सर्वे के अनुसार ये कह दिया गया है कि इसी को जनगणना माना जाएगा। मध्य प्रदेश भारत सरकार अब 2021 की जनगणना पोस्टपोन करने के मोड में है। उसका कारण ये है कि देखिए कोरोना की वैक्सीन सबको लगाई गई है, आपको पता है सबको लगाई गई है, आदमी को लगाई गई है, तो एक रजिस्टर्ड डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी है, ठीक है। बच्चों को टीके लग रहे हैं, 12 से 15 साल वालों को भी मार्च से टीके लगने स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च 2022 से। मतलब सरकार के पास एक ऑथेंटिक डाटा पॉपुलेशन के संबंध में है। और चूंकि आप जानते हैं कि शिक्षा जगत को ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ है, शिक्षा जगत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ऐसे में अगर हम दोबारा जनगणना कराना स्टार्ट करें, मतलब शिक्षकों को बुलाएं, क्योंकि आप जानते हैं जनगणना कोई आसान काम नहीं होता है, एक एक व्यक्ति को घर घर जाके गिनना पड़ता है, गिनने का काम कौन करता है आप जानते हैं, गिनने का काम कौन करता है तो शिक्षक ही करते हैं। और शिक्षक जब लंबे समय से जो आपके शिक्षक है वो दूसरे कामों में फंसे हुए हैं, दूसरे कामों में इंगेज है, शिक्षा पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, अगर ऐसे में उठा करके जनगणना में उन्हें इंगेज किया जाएगा तो समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए याद रखिए भारत सरकार 2021 में जनगणना कराने के मूड में नहीं है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सन 1881 से जो नियमित जनगणना चल रही थी अब वो जनगणना नहीं कराई जाएगी। और याद रखिए जब जनगणना कराई जाती है तो किसके अंतर्गत कराई जाती है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जनगणना का, वो कौन होता है, भारत का रजिस्ट्रार जनरल। और जनगणना में एक एक व्यक्ति को उसके घर में जाकर के गिना जाता है, फिर इस डाटा को स्टैटिस्टिकल मंत्रालय लेता है, उसे सही तरीके से बनाता है, उसके बाद वो सेक्स रेशियो आपका हो गया, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, मल्टीपल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स अनाउंस करती है भारत सरकार, वो एक अलग स्थिति है। तो अभी फिलहाल भारत सरकार जनगणना के मोड में नहीं है, लगा मुझे करंट अफेयर्स बताना जिसमें मैंने आपको बता दिया। याद रखिए दोस्तों आज की मध्य प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों को मिलाकर के बना है, 4 राज्यों को। बड़े आराम से समझिए, मध्य प्रदेश जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो मध्य प्रदेश 1956 वाला मध्य प्रदेश, माफ करिएगा 1956 वाला मध्य प्रदेश तो ऐसा मध्य प्रदेश था, और 1956 में जो मध्य प्रदेश बना था वो 4 क्षेत्रों को मिलाकर के बना था। कौन कौन सा बच्चों, यहाँ पे आपको देख लेना है, पहला कौन सा था, मध्य भारत। मध्य भारत की राजधानी 6 महीने के लिए ग्वालियर, 6 महीने के लिए इंदौर होती थी, एक ये आपका था, एक ये था आपका मध्य भारत प्रोविंस, ठीक है। दूसरा कौन सा था, सीपी एंड बरार, ये एक क्षेत्र था, और सीपी एंड बरार जो था इसकी राजधानी क्या होती थी, नागपुर, ये भी आपको याद रखना होगा, ये आपका दूसरा क्षेत्र था। तीसरा क्षेत्र आपका क्या था, तीसरा क्षेत्र था आपका विंध्य प्रदेश, क्या था दोस्तों, विंध्य प्रदेश, जिसकी
राजधानी क्या थी? नागपुर। और चौथा क्षेत्र कौन था? भोपाल। कौन था? भोपाल। इन चारों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का गठन 1956 में किया गया। तो आज के कांस्टेबल की परीक्षा में जो पूछा गया उसका उत्तर ये रहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए लिंगानुपात। याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम मतलब सबसे कम पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहाँ है? 1000 पुरुषों में सबसे कम महिलाएं कहाँ है? भिंड में। आश्चर्य नहीं है, बिल्कुल नहीं समझिए, आश्चर्य तो है ही नहीं। जो स्थिति भारत में पंजाब हरियाणा की है लिंगानुपात के मामले में, वही बात मध्य प्रदेश के उत्तरतम जिले भिंड मुरैना ग्वालियर की। आप समझिए, बिल्कुल समझिए, जैसी स्थिति वहां की है वैसी स्थिति यहाँ की भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आप इधर देखिए मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, मध्य प्रदेश में भिंड का लिंगानुपात 837 व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्तियों में है। ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश में सबसे कम है, आपको याद रखना होगा मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला वो आपका भिंड है। साक्षरता के मामले में 75.3%, यानी मुरैना से थोड़ा सा ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व 382, जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों? 382। और इसके अंतर्गत कितनी तहसीलें आती है? 9। भिंड के अंतर्गत आने वाली तहसीलें कितनी है? 9। और इन तहसीलों के नाम क्या है? भिंड है, गोहद है, लहार है, मेहगांव है, रोन है, मियोना है, अटेर है, गुरमी है, मऊ है, ये आपकी तहसीलें। कितनी तहसीलें भिंड जिले के अंतर्गत आती है? 9। भिंड, गोहद, लहार, मेहगांव, रोन, मिहोना, अटेर, गुरमी और मई। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह, पहला सूखा बंदरगाह कौन सा है? पीथमपुर। पीथमपुर को मध्य प्रदेश का भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। ये सूखा बंदरगाह, सूखा बंदरगाह बात समझते हैं, मतलब ये ड्राई पोर्ट है, ड्राई पोर्ट है। पीथमपुर मध्य प्रदेश का पहला है, प्रथम सूखा बंदरगाह पीथमपुर। और दूसरा कौन सा है? मालनपुर। कहाँ है? मालनपुर भिंड में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह कहाँ है? भिंड, भिंड जिले में मालनपुर। और पहला कहाँ? धार जिले का पीथमपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल रीवा में है। हम सब जानते हैं एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ है? रीवा में ही है। आप जानते हैं रीवा में ही है। और दूसरा कहाँ? प्रस्तावित है, नहीं प्रस्तावित है, प्रस्ताव में है, भविष्य में बनने की योजना है। कहाँ है? भिंड में। दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ बनेगा? यही बनेगा, आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखिएगा बच्चों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला भिंड, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला भिंड, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात भिंड, और सबसे कम अनुसूचित कहाँ है? तो याद रखिएगा ये भी कहा सबसे कम अनुसूचित जाति, ये भी भिंड। इसके बाद देखिए अब यहाँ क्या क्या है। अटेर का किला राजा बदन सिंह ने बनाया, अटेर का किला राजा बदन सिंह ने बनाया। वन खंडेश्वर मंदिर याद रखिए पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। आपसे प्रश्न पूछेगा मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर का निर्माण किया? तो भिंड है, उत्तर भिंड है। प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मंदिर का निर्माण किया? वो भिंड है। और मंदिर का नाम क्या है? वन खंडेश्वर मंदिर। ठीक है ना दोस्तों, रेणुका मंदिर, रेणुका मंदिर भिंड है। 12 नसों का मंदिर जो महावीर से संबंधित है, भगवान महावीर जैनों के 24वें तीर्थांकर, इनके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। इतिहास में आराम से आपसे लंबी लंबी बातें होंगी, आप परेशान नहीं होइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब इतना आपको अच्छा लग ही रहा है तो चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट करके अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा दिया करिए कम से कम। अब आपके सहयोग की अपेक्षा होती है हमें भी कि चलिए बच्चा देख रहा है तो कम से कम लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो प्लीज जस्ट डू इट। इतना कर देने आपका क्या जाता है, इतना तो आप कर ही सकते। उसके बाद देखिए मल्हार राव होलकर, याद रखिएगा इंदौर में होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की, और होलकर में मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है? तो भिंड में। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ऑप्शन में क्या आता है? इंदौर या उज्जैन, वहां का बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि होलकर वंश मतलब इंदौर। तो ये बताइए अब ये पूरा जो एरिया था ये तो सिंधियों के अंतर्गत आता था, तो मल्हार राव होलकर की समाधि तो उतनी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। यही तो कॉन्सेप्ट है, नहीं है। ये कहां है मल्हार राव होलकर की समाधि? भिंड। और याद रखिएगा रावतपुरा सरकार, कौन नहीं जानता है रावतपुरा सरकार, रावतपुरा सरकार का मंदिर कहाँ है? भिंड में। तो ये संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी भिंड के संदर्भ में। अब हम आपसे बात करेंगे दोस्तों श्योपुर के बारे में। किसकी बात करेंगे? श्योपुर। श्योपुर का प्राचीन नाम क्या है? सिप्पर। क्या नाम है? सिप्पर इसका प्राचीन नाम है। इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 687,861। याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 687,861। और इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है बच्चों।
क्या कहा जाता है? भारत का इथियोपिया, क्योंकि तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा महिला एवं बाल यानी शिशुओं का और महिलाओं का सबसे ज्यादा कुपोषण, सबसे ज्यादा कुपोषण कहाँ दर्ज हुआ, सबसे ज्यादा कुपोषित महिला या बच्चे कहाँ मिले हैं? इसी श्योपुर में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का इथियोपिया, ठीक है ना? याद रखिएगा ये मुरैना जिले से 1998 में अलग करके जिला बना। आपको पता है 1998 में दो समितियां बनी थी, एक बीआर दुबे समिति उसकी अनुशंसा पर 10 जिले और सिंहदेव समिति बनी थी जिसकी अनुशंसा पर 6 जिले, टोटल 16 जिले बने थे, ठीक है? तो याद रखिएगा उसी में से एक मुरैना भी बना था 1998 में। फिर देखिए लिंगानुपात कितना है, 901, कितना है 901? साक्षरता 57.4, लिटरेसी परसेंटेज बच्चों 57.4, जनसंख्या घनत्व 104, मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो कौन सा है? शिवपुरी है। तहसीलें कितनी आती है? 5। कितनी तहसीलें आती है बच्चों? 5। कौन कौन सी? बेड़ौदा, विजयपुर, कराहल, बीरपुर, श्योपुर। 5 तहसीलें आती है, बड़े आराम से समझिए, बेड़ौदा, विजयपुर, कराहल, बीरपुर, श्योपुर। और याद रखिए अपने हस्तकला एवं काष्ठकला के लिए फेमस है। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अपनी हस्तकला और काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है? वो श्योपुर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है कूनो अभ्यारण्य। कूनो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? श्योपुर। कहाँ है? श्योपुर। पाली एवं सिसईपुरा इको पर्यटन केंद्र कहाँ है? पाली एवं सिसईपुरा इको पर्यटन केंद्र कहाँ है? भिंड। घुड़सवार जीवशाला कहाँ है? भिंड। दूबकुंड कहाँ है? भिंड। नरसिंह महल कहाँ है? भिंड। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का संग्रहालय, ये क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में कि सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ? श्योपुर। कहाँ है? श्योपुर। सारी जनजाति का संग्रहालय श्योपुर। मोहम्मद आलम का मकबरा कहाँ है बच्चों? तो याद रखना है मोहम्मद आलम का मकबरा कहाँ है? मोहम्मद आलम का मकबरा कहाँ है? याद रखिए मोहम्मद आलम का मकबरा कहाँ है? भिंड में, ठीक है ना दोस्तों? तो आप देखिए आपने आज चंबल संभाग को पढ़ा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब अगला नोटिफिकेशन आए और जो हमारा अगला वीडियो होगा दोस्तों वो किस संभाग से रिलेटेड होगा? ग्वालियर संभाग। छोटी सी स्टोरी होगी सिंधिया संभाग से संबंधित, सिंधिया राजवंश से संबंधित। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आगे बात समझिए, बड़े आराम से पढ़ेंगे, मनमोहक तरीके से पढ़ेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।